उत्तर प्रदेश का सीएम बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर की जनता ने 5 बार से सांसद और नए नवेले सीएम का जोरदार स्वागत किया। अपने दौरे के दूसरे दिन योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस बीच गोरखनाथ मंदिर के बाहर एक शख्स ने आत्मदाह करने की कोशिश भी की, हालांकि लोगों ने उसे आत्मदाह करने से रोक लिया। बताया जा रहा है कि शख्स ने कर्ज माफी की मांग को लेकर आत्मदाह करने की कोशिश की। यूपी की जनता को सीएम से इतनी उम्मीद है कि अब लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन भी करने लगे हैं। जैसे ही आदित्यनाथ गोरखधाम मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे, वैसे ही होमगार्ड कांस्टेबलों ने भी मंदिर के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। आपको बता दें कि कांस्टेबल नियमित होना चाहते हैं, वो नियमित होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। तो यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते ही जनता ने अपने सीएम से ढेरों उम्मीदें लगा रखी हैं। गोरखपुर पहुंचते ही लोग अपनी अपनी फरियाद लेकर सीएम के सामने पहुंच गए। अब देखना होगा कि सीएम कितने लोगों की उम्मीदों पर खरे उतर पाते हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।